हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदितिमन। तो देखिए, आप लोगों का आज टेस्ट है जिसकी सूचना मैंने आपको दे दी थी। जितनी भी राजस्थान की सभ्यताएं आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, ये नोट जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। इसी तरीके से जो है हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग जो है रेगुलर इनको पढ़ते रहिए। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि राजस्थान की सभ्यताएं जो हैं वो आपको कितनी समझ में आई हैं और कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, जो भी बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो ये चीज़ देखे कि हम जो हैं जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं। जहाँ से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन वन देखिए, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन देखें दौसा, भरतपुर, विराटनगर या डी। जिन बच्चों को आसान लगते हैं प्रश्न तो उनकी वजह यही रहती है कि उन्होंने बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लिया है। ठीक है, और जो नहीं कर पाते हैं तो उसकी एक ही वजह रहती है कि वो बिना पढ़े जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर जो है वो शुरुआत में नहीं करने चाहिए, पहले हमें टॉपिक पढ़ना चाहिए। टॉपिक क्लियर करने के बाद हमें प्रश्न उत्तर पर आना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ जो है वो कंप्लीट पढ़नी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? आंसर रहेगा विराट नगर। ठीक है, अगला देखें, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? नागदा में, बैराठ में, ओशिया में या गोसुंडा में? फटाफट से आंसर दें कमेंट में। लास्ट में सभी के देखूंगी कि सभ्यताओं से संबंधित आपके कितने सही हुए हैं प्रश्न। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? नागदा में, बैराठ में, ओशिया में या गोसुंडा में? तो देखिए, यहाँ पर आप लोग जो आंसर लगा रहे हैं तो यहाँ पर सही है, बैराठ में। अगला देखो, क्वेश्चन थ्री, आहड़ सभ्यता नहीं है। आघाटपुर, ताम्रवती, नगरी या धूलकोट? तो बताइए, आहड़ सभ्यता के उपनाम हमने पढ़े थे तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? फटाफट से आंसर दो, ऐसे लिख कर दो क्वेश्चन नंबर थ्री का आपने क्या लगाया है। ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है या डी लगाया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। आहड़ सभ्यता नहीं है, आघाटपुर, ताम्रवती, नगरी या धूलकोट? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वह है कौन सा है? नगरी। ठीक है, तो ये सभी उपनाम किसके हैं? आहड़ सभ्यता के हैं। नेक्स्ट देखो, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, कौन सी सभ्यता में मिले हैं? कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? फटाफट से जो है आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर फोर का। ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी बैराट सभ्यता या ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता? तो बिल्कुल आंसर जो राइट है वह है बैराट सभ्यता। यहां से हमें महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। किस स्थल से मिट्टी के गोरे कोट मिले हैं? आहड़, बालाथल, कालीबंगा या बैराट? किस स्थल से मिट्टी के गोरे कोट मिले हैं? तो फटाफट से बताइए कि मिट्टी के गोरे कोट कहाँ पर मिले हैं, जिसमें क्या रखा जाता था? अनाज रखा जाता था। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या रहेगा कि जो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है वहां पर हमें ये चीज प्राप्त हुई है। तो आंसर है इसका आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो सभी का सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कालीबंगा किस स्थल को कहा जाता है? प्रथम कालीबंगा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? आहड़ को, रेण को, बागोर को या सोथी को? बताइए फटाफट से, प्रथम कालीबंगा जो है किस स्थल को कहा जाता है?
तो अभी तो हमारा जो एक टॉपिक है सभ्यताओं से संबंधित, राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित, देखिए आजकल एग्जामिनर जो है सभ्यताओं से दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछता ही है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि दो क्वेश्चन के आंसर जो है आप बिल्कुल सही करेंगे अपने एग्जाम में। फर्स्ट ग्रेड का जो आप लोगों ने पेपर दिया है, जिन भी बच्चों ने दिया है, वहाँ पर राजस्थान के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे गए हैं। इसका सही आंसर होगा सोथी संस्कृति, ठीक है? प्रथम कालीबंगा कहा गया है सोथी को। नेक्स्ट देखो, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? GH ओझा, श्यामल दास, सिटवर्ड पिगट या सूर्यमल मिश्रण? किसने कहा है कालीबंगा जो सभ्यता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? GH ओझा ने कहा है, श्यामल दास ने कहा है, सिटवर्ड पिगट ने कहा है या सूर्यमल मिश्रण ये कहते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके साथ में जो है सेकंड ग्रेड में ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है स्टुअर्ट पिगट, ठीक है? और इसका जो समर्थन है वो कौन करते हैं? इसका समर्थन दशरथ शर्मा करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए सिटुअर्ट पिगट जो है ये आपके ऑप्शन में ही नहीं होता और यहाँ पर लिखा होता दशरथ शर्मा, ठीक है? तो ऑप्शन को देखकर आपका आंसर जो है दशरथ शर्मा सही हो जाता, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या पूछे गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सिटुअर्ट पिगट की जो लाइन ही पूछी गई है तो आंसर यही होगा। मान लीजिए सिटुअर्ट पिगट नहीं होता तो आप दशरथ शर्मा ही सही करते। बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? B.N. मिश्र, डॉक्टर शिंदे, डॉक्टर ललित पांडे या डॉक्टर देव कोठारी? बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? फटाफट से आंसर दो। B.N. मिश्र हैं, डॉक्टर शिंदे हैं, डॉक्टर ललित पांडे हैं या देव कोठारी हैं? तो जिसने भी जो है बालाथल सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया है फटाफट से आंसर उसके दिमाग में आ ही गया होगा, ठीक है? देखते ही पता लगना चाहिए, खोजकर्ता हमने याद किए हैं तो इन चारों में से एक ही आंसर है आपका। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? B.N. मिश्र, ठीक है? तो ये सही आंसर रहेगा। ये क्या है? खोजकर्ता है बालाथल सभ्यता के, और ये तीन नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, बालाथल सभ्यता से ही हैं, डॉक्टर शिंदे, डॉक्टर ललित पांडे और देव कोठारी। तो ये उत्खनन करता है, उत्खनन करता। खोजा किसने? B.N. मिश्र ने खोजा, और जो खुदाई का कार्य किया, उत्खनन किया, वो डॉक्टर शिंदे, ललित पांडे और देव कोठारी के सहयोग से। मृदभांड अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है किस सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, बालाथल सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? फटाफट से बताइए। मृदभांड क्या होता है? अगर नहीं पता है आपको, मृद यानी कि मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है? तो मृदभांड जो कि अलंकृत घड़े जिन पर क्या की गई है, कलाकारी की गई है, ठीक है? तो ये इन पर जो है वो क्या बना हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। किस सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, बैराट सभ्यता से मिले हैं, बालाथल सभ्यता से मिले हैं या कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं? जिस तरीके से मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाया है, मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन के आंसर आप गलत दोगे, सभी आंसर आप सही दोगे, ऐसा मैं मानती हूँ, जो भी बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करता है, ठीक है? क्योंकि आपके जो है अब नेगेटिव मार्किंग आपके होगी, यदि आप गलत करते हो तो सही में से भी आपका नंबर चला जाएगा, तो गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर है वह रहेगा बैराट सभ्यता, ठीक है? चलें नेक्स्ट। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, गणेश्वर, आहड़, बालाथल या कालीबंगा? ताम्र
ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को, बालाथल सभ्यता को या कालीबंगा सभ्यता को? बताइए फटाफट से इसका सही उत्तर। तो टॉपिक पढ़ने के बाद यदि हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक जो है और भी अधिक मजबूत हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे रीट में आप लोगों ने तैयारी की थी, आरबीएससी की सभी बुक जो है वो आप लोगों ने पढ़ ली थी, और उसके बाद जो है वो मैंने आपको वन लाइनर जो टेस्ट सीरीज, वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर आपको कराए थे, तो बच्चों को वो बहुत पसंद भी आए थे क्योंकि आप लोग बुक पढ़ चुके थे, वन लाइनर याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वह है गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता हैं बी बी लाल, अमलानंद घोष, बी के थापर या बी एन मिश्र। तो ये सभी नाम जो हैं सभ्यताओं से संबंधित ही हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही हैं। यहाँ आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वह कौन हैं, जिसने इस सभ्यता को खोजा। ये हनुमानगढ़ जिले में जो है एक सभ्यता है जहां से हमें काले रंग की क्या मिली है, बंगा यानी चूड़ियां मिली हैं। तो इसके जो खोज करता है कौन है, बीबी लाल हैं, अमलानंद घोष हैं, बी के थापर हैं या बी एन मिश्र हैं? तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका, अमलानंद घोष। तो इन्होंने क्या किया है, कालीबंगा सभ्यता को खोजा है। ठीक है, और खुदाई का कार्य जो है दो व्यक्तियों के द्वारा, बी बी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखो, कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा जिस पर सात अग्नि कुंड मिले हैं किस सभ्यता की देन है? आहड़, बालाथल, कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता? कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा जिस पर सात अग्नि कुंड मिले हैं तो किस सभ्यता की देन है? तो कच्ची ईंटें देखिए हमें जो है कालीबंगा से भी मिली हैं, कच्ची ईंटें जो हैं वो हमें आहड़ से भी मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित जो चबूतरा है वह कहाँ से मिला है, आहड़ से, बालाथल से, कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता से? तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो है हमें गणेश्वर जो सभ्यता है यहाँ से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है, कालीबंगा सभ्यता जहाँ हमें कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो जब खुदाई की गई थी तब हमें जो है वो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, जब और अधिक जो है निचाई पर जो है वो खोदा गया तो यहाँ से जो है हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसीलिए कालीबंगा सभ्यता में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हमें कच्ची और पक्की दोनों ही ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ जो है यहाँ पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन जो चबूतरा है वो हमें यहाँ पर मिला है जिस पर सात अग्निकुंड मिले। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसी ईंटें जो कि अलंकृत, कालीबंगा से, सिंधु घाटी से, चंद्रावती से या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आंसर सभी बच्चे जो हैं वो सही दे रहे हैं। जो भी बच्चे जो हैं वो टेस्ट देने के इच्छुक होते हैं तो वो लोग मन से टेस्ट देते हैं, उनको पता होता है कि 10:30 बजे का टाइम दिया गया है और हम जो है 10:30 बजे एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर टेस्ट देंगे, चाहे मैम कितने भी क्वेश्चन पूछें, क्योंकि हमें करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, और जो भी बच्चे बाद में देखते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अपने कमेंट में जो है आप लोगों को अपना बताना है कि कितने प्रश्न जो हैं वो आप सही किए। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। आहड़ में खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड जो है, मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? खुली तपाई शैली, बंद तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली या उल्टी तपाई शैली?
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आहड़ में खुदाई से हमें काले और लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इनको जिस शैली से पकाया जाता था, तो उसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर सही है आप लोगों का भी, उल्टी तपाई शैली। आहड़ सभ्यता के संबंध में गलत कथन है, यहाँ से अनाज भरने के पात्र मिले हैं, इस स्थल से यूनानी देवता की आकृति मिली है, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। तो ये तो हम अभी ही कर चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। बाकी तीन देखिए, यहाँ से हमें अनाज भरने के पात्र मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस स्थल से यूनानी देवता की आकृति मिली है क्या, यूनानी देवता कौन से, अपोलो, इनकी आकृति मिली है क्या, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं क्या। बिल्कुल सही आप कर रहे हो, एकदम सही उत्तर। बच्चे जो बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं, इस स्थल से जो है हमें यूनानी देवता अपोलो की आकृति मिली है, ये गलत कथन है। तो यही आपका सही आंसर होगा। और आहड़ सभ्यता से विशेषताएं याद करिए, अनाज भरने के पात्र मिले हैं मिट्टी के, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो है उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे मृत भांड को पकाने के लिए। तो आज मैंने जो है 15 प्रश्न आप लोगों के टेस्ट लिए हैं, इन 15 में से जो है वो कितने आप लोगों ने सही किए हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी के जो है वो मैं देखूंगी, और इसी तरीके से जो है एक एक करके टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लेती जाऊंगी, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं तैयारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।